आपको तो पहले तो मुबारकबाद कि आप पीटीआई से पीपी में आ गई, तो क्या सोच के आप आ गई हो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, तो आपका वहाँ ओहदा क्या था पीटीआई के? वहाँ पे मैंने वुमेन विंग के साथ भी मैं एसोसिएट रही हूँ, सोशल मीडिया भी मैंने ज्वाइन किया है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मुबारकबाद देने के लिए। मैं साथ साथ ये बताती चलूँ कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उससे मेरा दिल बहुत दुखा था, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और जब ये वाक़या हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अब ये हाई टाइम है कि यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। और फिर उसके बाद ये था कि कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही थी, सिर्फ सोशल मीडिया वॉर होती थी सिर्फ, और सब एक दूसरे को बैशिंग कर रहे होते थे। तो मैंने सोचा एक ऐसी पार्टी में आना चाहिए, चूँकि जाहिर सी बात है जब इसकी लीडर ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, तो फिर तो कोई बात बचती नहीं है। औरतों के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन प्लेस है, सबसे सेफेस्ट पार्टी है, और एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम जितने माशाल्लाह बड़े बड़े नाम गुजरे वो सारी ख्वातीन ही थी। अच्छा, आप ये खौफ की वजह से तो नहीं आई हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैंने हमेशा बड़ी कैलकुलेटेड बातें की हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए ही नहीं हैं जो मेरे मुल्क के अगेंस्ट जा रहे हों, मेरे पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हों, क्योंकि पाकिस्तान है तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। यानी ये आपने अपना घर समझा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान हमारा घर है, और पीपल्स पार्टी की खिदमात हमेशा से रही हैं इस मुल्क के लिए, और अब भी हैं, तो हम बस एक चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें इस पार्टी के साथ। लेकिन ये तो शहीदों की पार्टी है, इसकी लंबी फहरिस्त है शहीदों में। मुल्क के लिए हुआ ना जो कुछ भी है, पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी दी, आवाम के लिए दिया उन्होंने, कोई अपना किसी का भी कोई मफाद नहीं था। तो ये तो हर कहते हैं ना, हर काम में रिस्क भी होता है, ख़तरा भी होता है, और मेहनत भी होती है आपकी। पीटीआई में क्या थी? वो वुमेन विंग की साइड में एसोसिएट रही हूँ, और वैसे भी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में भी रही हूँ। आपको यहाँ कारकुन के हिस्से से अगर काम करना पड़ा, आप करोगे ना? मैं ओहदे के लिए तो अगर होता अगर तो फिर बहुत पहले बहुत कुछ वहाँ भी मिल चुका होता। पार्टी का कारकुन होना भी है। बिल्कुल। और दूसरी बात, भाजपा से मैंने खुद अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था, मैंने कहा कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है, मेरे को जब भी हो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने बहुत सब्र किया, चूँकि मेरे ख्याल से काम मैटर करता है, डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती। हाँ, लेकिन कभी कभी हमें अथॉरिटी के लिए हासिल करने के लिए एक कुछ कामों में हमें चाहिए होते हैं हमारे राइट्स, तो उसके लिए ओहदे की भी एक अपनी अहमियत है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते।